Hello dear students, welcome to the new lecture of Kota Point. And we were discussing the new the topic of physics, work, power, energy. And welcome to the next lecture. So today we are going to discuss the next topic, that is work energy theorem. Okay, so discuss karte hain, theek hai? तो वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है उसको पहले नोट करते हैं. तो वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लोग समझते हैं. पहले सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं पहले इसको. वर्क एनर्जी थ्योरम तो ये क्या कह रहा है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जैसे सपोज करते हैं एक ब्लॉक है, इस पर अलग अलग फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से अलग अलग फोर्सेस एक्ट कर रही है. ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, इस तरह बहुत सारे फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे हैं, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे फोर्सेस. और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर कुछ S हुआ, ठीक है, ठीक है. तो अगर इस तरह इस पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और इसका इधर डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, तो इन सारे फोर्सेस का वर्क डन का जो समेशन होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 डॉट 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 WN, ये किसके बराबर होगा? अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी U थी और फाइनल वेलोसिटी V थी, तो ये इसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं. ये स्टेटमेंट समझ में आया, ठीक है. तो लेकिन एक इसके लिए कंडीशन है, इस थ्योरम के लिए एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है? कंडीशन कहता है कि डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स शुड नॉट चेंज, ठीक है. डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फोर्स का चेंज नहीं होना चाहिए. क्लियर है बात? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और जिस और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. मतलब वेरिएबल फोर्सेस के लिए ये वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है. क्लियर? चलो तो अब हम यहां बात करते हैं. तो हमारे पास dW इक्वल टू क्या होगा? F.ds, ठीक है. ऐसा अगर आप लिख सकते हैं कि F1 ds प्लस F2 ds प्लस F3 ds प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से हो जाएगा FN ds, सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है. बोलो, ये बात समझ में आई? अगर इसको हम इसी तरह बस लिख देंगे dW का इंटीग्रेशन इक्वल टू F.ds, इन सब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 FN वेक्टोरियली ऐड कर दें, ठीक है. तो वेक्टोरियली ऐड करने से एक रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा F.ds, एफ रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है. ये dW, समझ में आ रही है बात? एक रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा F.ds, कर सकते हैं ना? बोलो. हाँ, तो F को क्या लिख सकते हैं? MA ds लिख सकते हैं, ठीक है. तो MdV/dt into ds लिख सकते हैं. क्लियर है बात? तो dV upon इसको ds/dt लिख देते हैं, ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा? MvdV, इधर तो हमारा वर्क आ ही गया है. तो इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो अगर हम u से v की तरफ कर देते हैं कि ये इनिशियल मेरा वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v हो गया. तो अगर ये कर दे हम, थोड़ा मैं स्पेस बनाता हूँ, डस्टर दो, कपड़ा दो, थोड़ा डस्टर दो. तो अगर यहां पर हम कर दे तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? एम कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा और इसका इंटीग्रेशन v²/2 हो जाएगा. आ रहे हैं तो 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², ये आ गया हम लोग का डेल्टा W इक्वल टू डेल्टा
काइनेटिक एनर्जी, वॉच कर लो, समेशन ऑफ W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
यहाँ पर कोई चीज करना पड़ेगा आपको, तो फोर्स आपको क्या है, फोर्स तो निकालना ही पड़ेगा आपको, या फिर नेम निकालो, फोर्स को एफ मान लो, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, बस आपको टोटल वर्क पूछा है ना, इसको मत भी लिखो, बस टोटल वर्क तो समेशन का भी लिखो, अच्छे जी काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो हाफ एम जब भी आपका देखो कैसे काइनेटिक एनर्जी एनर्जी थ्योरम कैसे आपको आपके सवाल को कितना आसान बना देगी, जब एक्स बराबर जीरो होगा तो इसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा इनिशियल, और एक्स बराबर डी को फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा ए रूट डी का स्क्वायर माइनस हाफ एम ए रूट जीरो का स्क्वायर, यानी हाफ एम ए स्क्वायर डी आ गया हमारा टोटल वर्क, क्लियर है, कोई डाउट, तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम में कितना हमारे क्वेश्चन को कर दिया आसान, वो उतना लंबा बन रहा था एक लाइन में बन गया, तो यही है वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन, ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, ये क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा हाफ इंटू
500 इनटू 400 या माइनस f इनटू 25 माइनस माइनस प्लस तो f की वैल्यू आ गई 25 2 जा 22 जा f की वैल्यू आ गई 4000 न्यूटन। किसी को डाउट है तो बोले, एनी डाउट क्लियर है? तो ये मैंने इसको सिंपल मेथड ये वर्क एक इंजीनियरिंग थ्योरम लगा के बना दिया। अब इसी में अगर आप सिंपल काइनेमेटिक्स लगाने जाते तो ये ज्यादा लेंथी बन जाता क्वेश्चन। कहा 25 के स्पेसमेंट था तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर लो तभी ना वर्क आएगा। डायरेक्शन के साथ किया तो निगेटिव साइड भी लगाया। कोई डाउट? क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो। आगे बढ़े
बॉडी का सारा फोर्सेस क्या है, बैलेंस है, इस बात को समझो। इसीलिए यहाँ पर एक्सीलरेशन को जीरो दिया हुआ है। स्लोली का भी बोले कोई, अगर किसी को स्लोली पुल कर रहे हो, इसका मतलब उसका उसका कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा, उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल किया जा रहा है, ठीक है, इस बात को नोट करना। चलो किया जाए इस क्वेश्चन को, देखो समझो, अगर एक ये ग्राफ है अब इसमें ब्लॉक का वेट दिया हुआ है 2000 न्यूटन, डाउनवर्ड 2000 न्यूटन लग गया, ठीक है, और इसका यहाँ व्यू का वैल्यू 0.2 दिया है, इधर की ओर एक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक, और आगे की बात कर रहा है क्या वर्कआउट होगा जब इसको ठीक मान लो यहाँ पर ऐसे ऐसे और जेंटल के साथ थीटा एंगल पर खींचा जा रहा है, ठीक है, एफ फोर्स, यही है ना प्लस 0.2
sin theta या cos theta, ये आएगा ये रो रहा है कंसेप्ट मैं उसको तो बोलूं इसी को आपने तो पूछे इसी को डाउट है तो बोले on smaller y
बीकर
चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इधर नीचे की ओर 2g लग रहा है, इधर एक कंपोनेंट है, इधर एक कंपोनेंट है, इधर ये 37 एंगल है 2g cos 37 2g sin 37। डिक्शन दिया है इसमें, डिक्शन तो नहीं दिया है हाँ नहीं डिक्शन नहीं, ये u दी जीरो दिया है कि इसका इनिशियल जीजी पर ठीक है, तो ये इधर लग गया, ये इधर लग गया। तो आप क्या बात करते हैं बोल रहे हमको, तो हमारा स्टूडेंट वर्क डन बाय दिस फोर्स रिजल्ट, इस वर्क इस फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है। तो पहले हमको पता करना होगा कि इसका नेट एक्सीलरेशन कितना है, तो 2g sin 37 की वैल्यू निकालो, 2 * 10 * एंगल बना लो 37 4 5 20 12 2a, एक का वैल्यू आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, नॉट ओनली एक्सीलरेशन का वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, तो जब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सीलरेशन, तो उतना जरूरी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाफ एटी स्क्वायर होगा, यू जीरो था तो हाफ इंटू 4 इंटू टाइम कितना दिया हुआ था 1 सेकंड, वर्क का स्क्वायर 2 मीटर का एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट होगा, जब 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन बाय 20 न्यूटन के फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा 20 × 2 यानी 40 जूल का वर्क डन करेगा। हम लोग तो ये 40 जूल से ज्यादा नहीं ना रहे, 40 जूल के बार बार रहेगा, पहला काम हो गया। अब दूसरा आपको बोलता है कि फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी का यही कॉम्पोनेंट वर्क डन कर रहा है, ये कॉम्पोनेंट तो पहले ही कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये तो ऑर्डर 0 है, इसका ऑर्डर इसी का ऑर्डर हो रहा है, इसका अपोजिट आ रहा है, नेगेटिव ऑर्डर है, तो वर्क हम जान रहे हैं इसका मेथड ऑफ वर्क डन इक्वल टू 0 सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना, जब समीकरण ऑफ वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय ये फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इनटू क्या हो जाएगा, कैंटीग्रेन जी निकाल अच्छा
देखते हैं
जब ये बॉडी यहाँ पड़ती समझो कौन सा बोल रहा है टेंशन लग रहा था यही पर समझते हैं टेंशन लग रहा है यहाँ पर mg लग रहा है ठीक है तो टेंशन और mg दोनों के तो ये परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका है ना टेंशन और mg दोनों के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है ना लेकिन mg का एक कंपोनेंट के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है जैसे यहाँ ले यहाँ पर mg था यहाँ टेंशन था Yeah. Clear, eh? Good out. Shall we just watch in this lecture? Sure.